महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बम जैसे संदिग्ध वस्तु दिखने से हड़कंप मच गया। बम निरोधक दस्ते ने पूरा इलाका सील कर वस्तु की जांच की। पुलिस ने अभी कुछ खुलासा नहीं किया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बम जैसी संदिग्ध चीज मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने पूरे इलाके को किया सील। बम की खबर से उड़े लोगों के होश, लग गया लोगों का जमावड़ा। चंद्रपुर के गढ़चांदूर बस अड्डे के पास बम जैसी वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में बम निरोधक दस्ते की टीम पहुंची और पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू कर दिया। इसी बीच खबर आई कि बम जैसी चीज गढ़चांदूर के बस अड्डे के पास एक कपड़े की दुकान में रखी। इसके बाद बम निरोधक दस्ते ने दुकान में रखी उस वस्तु की बारीकी से जांच की। बम निरोधक दस्ता उसे अपने साथ ले गया। अभी तक पुलिस वालों ने संदिग्ध वस्तु का खुलासा नहीं किया है। इसी बीच जिस शख्स ने यहां बम जैसी चीज प्लांट की थी, उस व्यक्ति का सीसीटीवी भी अब सामने आया। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक शख्स दबे पांव दुकान की सीढ़ियों से ऊपर आता है, लेकिन दुकान में ना जाते हुए हाथ में लाया हुआ थैला वहां बाहर छोड़कर दूसरी दिशा में निकल जाता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के साथ चंद्रपुर जिला भी नक्सल प्रभावित माना जाता है। हालांकि नक्सलियों की गतिविधियां चंद्रपुर में ना के बराबर है, लेकिन जिस तरह से बम जैसी संदिग्ध चीज दिखी उससे हड़कंप मच गया। लोग दहशत में।